हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं। आज आपके सामने मैं एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाऊंगी जो आप उसको यूज कर सकें। तो देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं। मैंने एक बोर्ड तैयार किया है 4 इंच का। तो ये सारे पीस मैंने 4-4 इंच के इस तरीके से नापे हुए हैं। तो ये मेरे काफ़ी सारे मैंने पीस काटे हुए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज हम इस वाले पीस का करेंगे। तो आप एक ऐसा पीस ले लीजिए जो पूरे लास्ट टाइम तक आपको उस कपड़े का यूज कर सके। और ये कुछ हमने ऐसे टुकड़े ले लिए हैं, तो ये हमारे 6 पीस हैं। तो हमारे क्या करेंगे फ्रेंड्स, कुछ ये टुकड़े ले लिए, कुछ ये ले लिए, और काफ़ी एक्स्ट्रा और मेरे पास काफ़ी सारे टुकड़े रखे हुए फ्रेंड्स, जिससे मैं डिज़ाइन बनाना आपको सिखाऊंगी। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये पीस लेंगे। हमारा एक डिज़ाइन, दो ये वाइट लगेंगे तो दो दूसरे डिज़ाइन दूसरे कलर के। तो हम जो भी हम एक पीस तैयार करेंगे उसमें दो वाइट लगेंगे तो दो अलग कलर के। तो हमें ऐसे ही बारी बारी डिज़ाइन तैयार करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप एक लाइन लगाइए। ये देखिए, मैं स्केल ले लिया। स्केल की मदद से सबसे पहले मैं एक लाइन लगा रही हूँ, क्योंकि हमें ये बीच में डबल छेड़ का चाहिए। और उसमें ये साइड में मैंने अलग से लाइन लगा लिया जिस पर हम सिलाई करेंगे। ये मेरे सारे एक्स्ट्रा पीस पड़े हुए थे फ्रेंड्स। ये सोफ़े के जो कपड़े होते हैं ये वे हैं फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो कैसा भी कपड़ा ले लीजिए, पर ये मेरा वेस्ट रखा हुआ कपड़ा था जो कुछ यूज नहीं हो रहा था, तो मैं उसका यूज करके आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से लाइन लगानी है। और ये हमने सीधे उल्टे का देख के ये मैंने पीस रख लिया। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये कपड़ा थोड़ा स्ट्रेचेबल हो जाता है तो हम पहले पिनअप कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ से मैं पिनअप कर लेती हूँ ताकि हमारा कपड़ा फैले ना। तो ये हमारी पिनअप हो गई, ऐसे ही मैं इसको कर लूँगी। और हम यहाँ से साइड साइड में से सिल लेंगे। तो मैं दोनों पीस आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बीच में से कट करेंगे और हमारे जो हमने 4 पीस लगाए हैं वो अब हमें 4 पीस तैयार मिल जाएंगे। ये देखिए, मैंने बीच में से कट कर लिया और ये पीस भी मैं कट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये हो गया, ये इस तरीके से ओपन होगा। तो मैं इसको डिज़ाइन आपको सेट करके बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरीके से ये डिज़ाइन सेट होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ सिलाई लगाएंगे अच्छे तरीके से। पहले पिनअप कर लेना फ्रेंड्स, यहाँ से सिलेंगे, फिर उसके बाद इसको यहाँ से सिलेंगे। जब ये दोनों पीस हमारे सिल जाएंगे फ्रेंड, तब हम इसको आपस में से रख के जॉइंट करेंगे। तो हमारे कोने कोने से मिले होने चाहिए फ्रेंड्स, और हमारा ये कपड़ा थोड़ा इस तरीके से यहाँ से सिल जाएगा। तो मैं आपको एक सिला हुआ पीस दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से सिल जाएगा। तो ऐसे ही हमने काफ़ी सारे पीस बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, ताकि हम इसका डिज़ाइन अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। तो ये देखिए, हमारे कुछ पीस मैंने बना रखे हैं ताकि मैं आपको इसका डिज़ाइन बना के बता सकूँ। तो ये कुछ पीस बना लिए हैं फ्रेंड्स, और इसका भी हम यूज करेंगे। ये देखिए, ये मेरे एक्स्ट्रा पीस पड़े हुए थे फ्रेंड्स। तो हमें इस तरीके के पीस ऐसे तैयार करने हैं। तो हमारे जितने पीस बन सके हमने उतने पीस अपने जितना भी हम पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था उससे हमने ये पीस तैयार कर लिए हैं। तो ये हमारे इतने पीस थे, तो इससे मेरे 4 डिज़ाइन बने हैं। ये मेरे पे थोड़ा ही कपड़ा था, तो इस पे हमारे 3 डिज़ाइन बना है। और इसका भी मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा कपड़ा है, इसके मेरे 4-5 डिज़ाइन बन जाएंगे। तो इसके भी मेरे 4-5 डिज़ाइन बनेंगे फ्रेंड्स, और इसके भी मेरे 4-5 डिज़ाइन बनेंगे फ्रेंड्स। तो मैं सबको पहले सिल लेती हूँ, फिर आपको इसका डिज़ाइन पूरा तैयार करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपने सारे पीस सिल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। और ये मैंने कुछ पट्टियाँ ली हैं डिज़ाइन के अनुसार। तो ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी काटी है फ्रेंड्स, और ये इन पीस के हिसाब से मैंने थोड़ी पट्टी काट ली है इस टाइप की, जो बाद में हम इसको ऐसे रख के जॉइंट करेंगे। इसमें आप करना चाहो तो करिए फ्रेंड्स, पर मैं आपको डिज़ाइन सेट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सेट कर लिया है। अगर आप इसको ऐसे ही सिलना चाहते हैं तो ऐसे ही सिल लीजिए। मैं इसमें कुछ टुकड़े अटैच करूंगी, तो मैं आपको ये टुकड़े अटैच करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पट्टियाँ इसमें बिछा ली हैं। ये अभी आपको इस तरीके से दिख रही हैं। जब ये सिल जाएगी तो ये इन सब से थोड़ा छोटा हो जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से हमें ये सेट करना है। आप चाहें तो जैसा मैंने पहले बताया वैसे ही बना लीजिए, पर मुझे ऐसा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको ऐसे पट्टियों से जॉइंट किया है। तो अब इनको मैं बारी बारी जोड़ूंगी। पहले हम एक तरफ की यहाँ की ये पट्टियाँ ले लेंगे और बारी बारी से एक एक लाइन सिलेंगे। फिर ये सिलेंगे फ्रेंड, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो मैं इन सबको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। पहले देखिए फ्रेंड्स,
मैंने ये पट्टियाँ जोड़ ली हैं, अब हमारी बीच वाली पट्टी जॉइंट होगी, तो मैं इस बीच वाली पट्टी को भी जॉइंट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये सारी जॉइंट हो गए हैं, सारी पट्टियाँ जुड़ गई हैं, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पर आप जब इसको इस्तेमाल करें तो इसके नीचे एक लाइनिंग लगाना, एक कपड़ा लगाना, और इसको अच्छी तरीके से ऊपर से उस कपड़े को जॉइंट करना, और आपको जितना बड़ा चाहिए इसके साथ बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनाया है, तो आप इसको कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है, मेज कवर इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चे की बिछोनी के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, या कोई चादर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।